अब नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है आपको चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट। चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मीन्स अब क्या होता है आप समझ सकते हैं। तो लिखा है अलाइनमेंट के बारे में, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट मीन्स टू मेक अरेंजमेंट ऑन ए पेज। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको हमारे पेज पर कैसे हम सेट करना चाहते हैं, लेफ्ट से, राइट से, अपर साइड से और डाउन साइड से कैसे हम उसको सेट करना चाहते हैं, कितना उसमें स्पेस हम देना चाहते हैं, वो यहाँ से हम सेट करेंगे अलाइनमेंट के द्वारा। देर आर फोर टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट यूज इन एमएस वर्ड। और जो हमारा एमएस वर्ड होता है उसमें फोर टाइप के अलाइनमेंट होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर समझ में आने वाले। फॉर अलाइनमेंट फॉलो दिस स्टेप्स। और अलाइनमेंट अगर हमको सेट करना है तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करना होगी, हमको नेक्स्ट पेज पर दे रखा है। तो ध्यान से अपना पेज नंबर 51 ओपन करेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे। सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वॉन्ट टू मॉडिफाई। सबसे पहले जिसको भी हमको अलाइनमेंट, जिस भी टेक्स्ट का हमको अलाइनमेंट सेट करना है, चेंज करना है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। स्टेप सेकेंड, सेलेक्ट वन ऑफ द फोर अलाइनमेंट ऑप्शन फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। अभी आपका सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पर जाना है, उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप में जो अलाइनमेंट वाला ऑप्शन होता है उसमें से जो फोर टाइप के ऑप्शन है उसमें से जो भी आपको यूज़ करना है उसको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो फोर टाइप्स के अलग अलग अलाइनमेंट हैं उसके बारे में समझा रखा है। सबसे फर्स्ट है आपको अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अब इसके बारे में क्या लिखा है, अलाइंस ऑल ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ द टू द लेफ्ट मार्जिन। और जो लेफ्ट साइड वाला अलाइनमेंट होता है वो आपको लेफ्ट साइड से यहाँ पे स्पेस कर देता है इधर, ठीक है, इधर साइड। ये आपका लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट दे रखा है, इसमें आपको इसे सारी जो स्पेलिंग्स है, सारी जो पैराग्राफ की, वो ऐसे आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे बन जाएगी, आगे से सारी बराबर पर आ जाएगी। सेंटर में लिखा है अलाइंस टेक्स्ट एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। और जो सेंटर होता है वो बीच से आपको, जैसे सेंटर अलाइनमेंट यहाँ पे उन्होंने सेट कर रखा है, सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने सेंटर पर जब क्लिक करेंगे तो वो सेंटर में से एडजस्ट कर देता है इक्वली समान रूप से, दोनों साइड से, लेफ्ट से भी और राइट साइड से बराबर करके वो ऐसे आपके टेक्स्ट को अरेंज कर देता है। नेक्स्ट लिखा है अलाइन टेक्स्ट राइट, अलाइंस ऑल ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट मार्जिन। अब जो राइट साइड वाला अलाइनमेंट होता है उसका यूज़ हम राइट साइड से इक्वल अरेंजमेंट करने के लिए, यहाँ पे जैसे हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और राइट वाले अलाइनमेंट पर जब हम क्लिक करेंगे तो राइट साइड से वो बराबरी पर ऐसे इक्वल में आपको आपका टेक्स्ट सेट कर देगा, अरेंज कर देगा। जैसे लेफ्ट के लिए हमने करा था तो लेफ्ट साइड से हुआ था, राइट के लिए राइट साइड से होता है, और सेंटर के लिए बीच में से ऐसे वो दोनों साइड से, लेफ्ट से भी कवर करता है और राइट से भी कवर करता है। फोर्थ नंबर पर दे रखा है जस्टिफाई। अब जो जस्टिफाई अलाइनमेंट दे रखा है उसके बारे में लिखा है अलाइंस टेक्स्ट इक्वली टू द राइट एंड लेफ्ट मार्जिन यूज्ड इन मेनी बुक्स, न्यूज़लेटर्स एंड न्यूज़पेपर्स। और जो जस्टिफाई होता है अलाइनमेंट वो क्या करता है, आपकी जो टेक्स्ट है उसको दोनों साइड से अरेंज करता है, लेफ्ट साइड से भी करता है और राइट साइड से भी करता है। जैसे आपकी बुक्स में आप देखेंगे कि आपकी जो बुक्स में इधर साइड से भी अलाइनमेंट सेट रहता है और पीछे साइड से भी अलाइनमेंट सेट रहता है, तो ये था जस्टिफाई अलाइनमेंट। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे हम जल्दी से, इस पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छे से एक बार फिर से जब पढ़ेंगे, इस वीडियो को फिर से डबल से जब देखेंगे तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। अब हम एक्टिविटी फर्स्ट जो पेज नंबर 53 पर दे रखी है उसको हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी फर्स्ट में लिखा राइट द टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट इन द बॉक्स। यहाँ पे आपको बॉक्स में अलाइनमेंट के बारे में बता रखा है कि उन्होंने कैसे सेट कर रखा है। अभी हमने इसके बारे में जो पढ़ा है इसको पढ़ाया हम उसको देखेंगे और समझेंगे और इसके अकॉर्डिंग आंसर फिल करेंगे। तो ये वाला जो आपको फर्स्ट दे रखा है सभी को पता है कैसा है, ये इधर साइड से लेफ्ट साइड से अरेंज हो रहा है, सेट हो रहा है, इसलिए हम इस पर लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है। ये वाला सेंटर से हो रहा है क्योंकि दोनों साइड इसमें अरेंज कर रखा है, ये सेंटर कर देंगे, ठीक है। ये हमारा राइट साइड वाला हो जाएगा और ये जस्टिफाई हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको, इट इज़ लेफ्ट अलाइन, इट इज़ सेंटर, ठीक है, और इट इज़ राइट और इट इज़ जस्टिफाई, ठीक है। तो आप भी ऐसे अपनी अपनी बुक्स में इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे जल्दी से। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट, इसको जल्दी से हम करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम बच रहा है। तो टू चेंज साइज ऑफ द फॉन्ट वी क्लिक, हमारा जो भी टेक्स्ट है उसकी साइज अगर हम चेंज करना चाहते हैं उसके लिए हम कौन से ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए हम फॉन्ट साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, टिक करेंगे।
इन्फॉर्मेटिक टूल बार बी स्टैंड फॉर, अभी हमने पढ़ा है कि बोल्ड करने के लिए हम बी का, बी जो शॉर्टकट होता है उसको किस लिए यूज़ करते हैं, तो बी होता है बोल्ड के लिए, तो हम यहाँ पे बी पर क्लिक, बोल्ड पर क्लिक टिक कर देंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग हेलो इफ़ वी क्लिक ऑन आई कमांड इट मीन्स इट गिव फॉलोइंग रिजल्ट। आई हमको पता है कि हमने अभी पढ़ा है इटैलिक के लिए होता है, जब हम आई को जब सेलेक्ट करने के बाद जब आई पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट हो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये रखा है अलाइंस ऑल ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट एंड लेफ्ट मार्जिन इज कॉल्ड। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि जो राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों साइड से हमारा जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है उसको मॉडिफाई करने के लिए हम कौन से अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं, तो वो होता है जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई पर हम क्लिक कर देंगे। लास्ट दे रखा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स आर इन एमएस वर्ड, अभी जस्ट हमने पढ़ा इसके बारे में कि अलाइनमेंट कितने टाइप्स के होते हैं एमएस वर्ड में, तो वो होते हैं फोर टाइप्स के, तो हम यहाँ पर फोर वाले पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, ए कैरेक्टर डिजाइन इन ए पार्टिकुलर वे इज कॉल्ड ए, ये होता है हमारा फॉन्ट FONT। ओके, नेक्स्ट दे रखा है अंडरलाइन टेक्स्ट हैज ए बिलो इट, जब हम किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं तो उस टेक्स्ट के नीचे क्या आ जाती है, क्या बन जाती है, उसके नीचे लाइन बन जाती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन LINE। नेक्स्ट दे रखा है लोअर केस मैक्स सेंटेंस सेंटेंस इन लेटर्स, जो लोअर केस का अगर यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस को कैसा बना देता है, कौन से लेटर्स में बना देता है, चेंज कर देता है, तो स्मॉल SMALL स्मॉल। नेक्स्ट ये रखा है अलाइनमेंट ऑफ मीन्स टू मेक अरेंजमेंट ऑन ए पेज, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट पर ही हम अलाइनमेंट सेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट TEXT। ओके, नेक्स्ट ये रखा है टेक्स्ट इफेक्ट्स आर इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं वो स्पेशल इफेक्ट होते हैं जो कि हम टेक्स्ट पर उसको अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्पेशल। ठीक है, SPECIAL। ओके, नेक्स्ट पेज ओपन करना है हमको जल्दी से, पेज नंबर 55। इस पेज पर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर सी मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन टेक्स्ट इफेक्ट टेक्स्ट हाईलाइट टेक्स्ट फॉन्ट फॉन्ट कलर लिखा है, इसके नेम्स आपको सॉरी इसके आइकॉन्स आपको सामने बने तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको मैच करना है, तो बोल्ड के लिए हमने पता है हमको बी करते हैं नंबर वन, इटैलिक के लिए हम आई करते हैं, अंडरलाइन के लिए हम यू करते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट के लिए आपको लिए सिंपल ए ऐसा बना होता है। ठीक है, ये सिंपल है, टेक्स्ट हाईलाइट के लिए ये ए बी के नीचे ऐसा बना होता है, ये ब्रश ये होता है टेक्स्ट हाईलाइट के लिए, तो ये नंबर फाइव, और टेक्स्ट कलर के लिए ए के नीचे ये रेड कलर की लाइन बनी कलर बना होता है, ये होता है टेक्स्ट कलर के लिए, तो इसको अच्छे से आप करेंगे। ठीक है, तो हमारा मैच द फॉलोइंग का नंबर है 256143। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेम द शॉर्टकट कीज फॉर द फॉलोइंग कमांड्स, यहाँ पे आपको शॉर्टकट की देना है इन कमांड्स के लिए, अभी बोल्ड के लिए इटैलिक के लिए और अंडरलाइन के लिए मैंने तीनों के लिए आज ही आपको इस वीडियो में बताया है, तो बोल्ड के लिए होती है कंट्रोल प्लस CTRL लिखेंगे हम कंट्रोल के लिए प्लस बोल्ड के लिए बी। ओके, इटैलिक के लिए होती है कंट्रोल CTRL प्लस इटैलिक के लिए आई, अंडरलाइन के लिए होती है कंट्रोल CTRL प्लस यू, आपको नेम स्पेलिंग का फर्स्ट वर्ड आपको बस शॉर्टकट में लिखना है कंट्रोल की के साथ। ठीक है, ग्रो फॉन्ट, अगर आपको आपकी फॉन्ट की साइज को अगर बढ़ाना है तो उसको क्या करना, उसका शॉर्टकट होता है CTRL प्लस बढ़ाने के लिए ये होता है। ठीक है, ये वाला कि आपको दबाना होगा, और श्रिंक फॉन्ट अगर उसकी साइज छोटी करना है तो उसके लिए CTRL प्लस इसका अपोजिट, ये छोटी करने के लिए बड़ा करने के लिए। ओके, आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा राइट शॉर्ट आंसर्स, इसका फर्स्ट लिखा है नेम एनी टू फॉर्मेटिंग कमांड्स इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड की कोई सी भी टू फॉर्मेटिंग कमांड के नेम आपको लिखना है, तो हम इसमें से कोई सी भी लिख सकते हैं, तो हम बोल्ड और इटैलिक ही लिख देते हैं, नंबर वन यहाँ पर बोल्ड कमांड, सेकंड इटैलिक लिख देते हैं ITALIC इटैलिक। ठीक है, ये टी है। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन विच टैब फॉर्मेट फॉन्ट साइज ऑप्शन इज प्रेजेंट, तो हमको पता है कि फॉर्मेटिंग करने के लिए हम होम टैब का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम केवल लिख देंगे होम टैब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज सेंटेंस केस, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको पेज नंबर 49 पर मिलने वाला है,
तो हम इसको पेज नंबर 49 पर टिक करेंगे, इसलिए यहाँ पर पेज नंबर 49 आपको लिखना है, ताकि आप जब क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर लर्न करें तो आपको पता चल जाए कि इसका आंसर हमको पेज नंबर 49 पर मिलने वाला है। तो पेज नंबर 49 ओपन करना है जल्दी से, ये मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस केस के बारे में आप यहीं से टिक कर लेंगे आंसर नंबर 3 के लिए, वन लाइन ओनली। ठीक है, इट मेक्स फर्स्ट लेटर टू ऑफ द सेंटेंस इन कैपिटल लेटर। इसमें आप क्या होता है कि जो जो भी हम लाइन सेलेक्ट करते हैं उसका केवल फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाता है, सारे स्मॉल में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट यूज इन एमएस वर्ड। तो हमको पता है 4, यहाँ पे हम लिख देंगे 4, FOUR। ठीक है, FOUR, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट फोर्थ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन लॉन्ग। ये आंसर, इसके आंसर बड़े हो सकते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है कैसे हम टिक करेंगे, तो कैसे इसको याद करेंगे। वॉट इज फॉर्मेटिंग, नेम द कमांड्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेट टेक्स्ट। अब फॉर्मेटिंग क्या होती है उसके बताना है, तो इसका आंसर हमको पेज नंबर 44 पर मिलने वाला है, तो यहाँ पर पेज नंबर 44 राइट कर लेंगे और पेज नंबर 44 ओपन करेंगे जल्दी से। ये पेज नंबर 44 मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, टिक करना है। फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन भी आपको देना है, तो फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग एंड अरेंजिंग टेक्स्ट टू मेक ए डॉक्यूमेंट लुक अट्रैक्टिव। ये हमारा उसका लॉन्ग का फर्स्ट, एल लिख लेंगे लॉन्ग के लिए, फर्स्ट केवल डेफिनेशन हुआ है। इसमें आपको नेम भी बताने टेक्स्ट के बारे में क्या बताना है कि नेम द कमांड्स इन्वॉल्व ऑन सॉरी इन फॉर्मेट टेक्स्ट। इनमें कौन कौन सी कमांड्स यूज़ करते हैं हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, वो भी करना है हमको। तो यहाँ पर हम ठीक से हम टिक करेंगे, फॉर्मेट द फॉन्ट साइज स्टाइल एंड कलर ऑफ टेक्स्ट एज वेल एज हाउ टू यूज द बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन एंड चेंज केस कमांड। यहाँ तक ये भी फर्स्ट वाले आंसर में आपको टिक करना है। इस पर हम इतनी सारी कमांड्स का यूज़ करते हैं फॉर्मेट करने के लिए। ओके, यहाँ से नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक भी है एक्टिव अट्रैक्टिव तक, उसके बाद फॉर्मेट से लेकर कमांड्स तक ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वॉट इज अलाइनमेंट, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। यहाँ पे आपको अलाइनमेंट की डेफिनेशन भी बताना है और उसके टाइप्स के नेम्स भी आपको बताना है। ये हमको पेज नंबर 50 पर मिलने वाला है, तो यहाँ पर हम पेज नंबर 50 राइट कर देंगे। ओके, पेज नंबर 50 ओपन करेंगे जल्दी से। ये पेज नंबर 50, तो अलाइनमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा है आपको, अलाइनमेंट क्या होता है, ये आंसर नंबर 2 लॉन्ग का। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट मीन्स टू मेक अरेंजमेंट ऑन ए पेज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट यूज इन एमएस वर्ड। ये वन एंड हाफ लाइन यहाँ पर, उसके 4 टाइप्स के नेम आप यहाँ से टिक राइट लर्न कर लेंगे, 1, 2, 3 और 4। ये 4 टाइप्स के अलाइनमेंट के नेम्स आप यहाँ से लर्न कर लेंगे आंसर नंबर 2 के लिए, लॉन्ग के 2 के लिए। ठीक है, नंबर 1, 2, 3, 4, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई। ये भी आपको आंसर नंबर 2 में ही लर्न करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसके टाइप्स के नेम भी आपको राइट करना है। तो नेम को 4 टाइप्स जो है उसके नेम आपसे हम टिक करके याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज टेक्स्ट इफेक्ट। व्हाट इज टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है ये आपको समझाना है। इसका आंसर हमको पेज नंबर 48 पर मिलने वाला है, तो हम पेज नंबर 48 यहाँ पर राइट कर देंगे और पेज नंबर 48 ओपन करेंगे जल्दी से। यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा है टेक्स्ट इफेक्ट, हमारा जो टॉपिक है, यह आंसर नंबर 3 लॉन्ग का है। टेक्स्ट इफेक्ट आर स्पेशल इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन द टेक्स्ट, इट चेंज द लुक ऑफ योर टेक्स्ट। केवल इतना ही आप टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको इसके लिए केवल आंसर ही राइट करना है, उसकी स्टेप्स क्वेश्चन में हमको नहीं पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट चेंज केसेस अवेलेबल इन एमएस वर्ड। इसका आंसर हमको पेज नंबर 49 पर मिलेगा। ठीक है, तो पेज नंबर 49 पर हम इसको टिक करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के जो 4 टाइप्स के अलाइनमेंट है सॉरी केस है, इसको हम यहाँ से टिक कर लेंगे। क्वेश्चन में आपको अलाइनमेंट के बारे में अलाइनमेंट क्या केस के बारे में पता रखा है, अलग अलग टाइप के जो केसेस होते हैं उसको आपको इसमें समझाना है। तो यहाँ पे हम आंसर नंबर 4 के लिए फिर से यहीं से टिक करेंगे, आंसर नंबर 4 लॉन्ग का भी 4, ये 1, 2, 3, 4 सारे को आपको टिक करना है, 1, 2, 3, 4 ये आंसर नंबर
फोर है लॉन्ग का, ठीक है। सेंटेंस लोअर अपर एंड टॉगल केस, ये आप फोर यहाँ से लर्न कर लेंगे। ओके, पेज नंबर 49 पर हमने इसको टिक कर लिया है। 1 2 3 4, ये फोर लाइंस फोर आंसर नंबर फोर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जल्द से जल्द आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद इसके फोटोज मुझे सेंड करें। एंड योर होमवर्क इज यू विल इट्स योर होमवर्क टू यू विल राइट एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑफ पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 की क्वेश्चन आंसर जो भी आपको है ये आप बुक में ही करेंगे, ठीक है। उसको आपको बुक में फिल करना है, उसके फोटोज मेरे को सेंड करना है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। यू विल राइट द आंसर्स ऑफ दिस पेज इन योर बुक इटसेल्फ एंड क्लिक द फोटोज एंड सेंड इट टू मी इन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पेज नंबर 58 ऑल्सो। ओके, सो योर होमवर्क इज यू विल लर्न एंड राइट द क्वेश्चन आंसर ऑफ पेज नंबर 57 एंड 58। ओके, थैंक यू।